मेरे लिहाज से तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना माशरे में नहीं, अच्छा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि प्यार का इजहार इसी वजह से किया जाए। प्यार का इजहार हम वैसे भी कर सकते हैं, माँ से रोज़ किया जाता है, भाभी बीवी से रोज़ किया जाता है, भाइयों से रोज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि इसी दिन का एक ही दिन हो कि आज के दिन ही या वैलेंटाइन के दिन ही प्यार को जाहिर किया जाए, इस तरह नहीं होना चाहिए। मोहब्बत के लिए पूरा साल होना चाहिए कि जितना भी दिन चल रहे हैं बंदे की लाइफ के वो होने चाहिए, एक खास दिन ही क्यों। ये मनाना तो नहीं चाहिए, बस आजकल ये इश्क ये करते हैं ना वो ही मनाते हैं, पर ये होना नहीं चाहिए। नहीं, मोहब्बत रोज़ की जा सकती है, लेकिन जब सेलिब्रेशन तो रोज़ नहीं हो सकती ना। ईद रोज़ तो नहीं होती ना, कभी कभी होती है, एक साल में एक दफ़ा होती है। रोज़ इतना कौन खर्चा करेगा, एक दिन कर ले बंदा बस। सही, बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ये कोई ऐसा दिन नहीं है। हमें इस्लामी दिन मनाने चाहिए। इस्लामी दिन को आगे कोई फॉरवर्ड नहीं करता, बल्कि ऐसे दिन को बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड किया जाता है और मोहब्बत नामे पेश किए जाते हैं। ये क्या है, ये बेशर्मी की एक हद पार करनी है तो वो ये दिन है यार। तो एक दिन आता है साल में वैलेंटाइन डे, लवर्स एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं ना, तो मनाना चाहिए यार। मेरे ख्याल में मैं अपनी जहनीत से मुझे तो ये है कि मैं भी मना रहा हूँ। टाइटैनिक में जैक मरता है, वो किसके लिए मरता है, अपने प्यार के लिए मरता है। इसी तरह हम हीर रांझा को भी मानते हैं, तो वैलेंटाइन को मानना इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन एक दिन मनाना इस्लाम के लिहाज से बुरी बात है। लेकिन हम जब देखते हैं कि यूरोप को हम हर चीज़ में फॉलो करते हैं, बाकी चीज़ों में फॉलो करते हैं, तो इसमें भी करना चाहिए।